अगर चावल गेहूँ मेकअप का सामान होता तो भाई हर साल भुखमरी और अकाल होता यार, कुछ खाने को बचता ही नहीं। क्या कहूँ तेरे चेहरे का ये मोल, ये मेकअप ने तो बदल दिया भूगोल। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनय कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आपको थंबनेल में देखकर पता चल ही चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, मेकअप। जी हाँ, वही मेकअप जिसे चेहरे के पुताई पेंटिंग के बाद बहुत सुंदर दिखता है लेकिन उसके पीछे बहुत ही भयंकर राज छिपा रहता है। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई आपके सामने है, आप देख लीजिए। हैरान मत होइए, बाकी सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हम आपके शुभचिंतक तो है ही, तो वीडियो को लाइक करिए, बाकी वीडियो काफी एंटरटेनिंग होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो यार, मेकअप शब्द सुनते ही आपके दिमाग में लड़की का इमेज आ जाता होगा, क्योंकि हम लड़कों का तो भाई मुंह पे पानी मारे और बालों में कंघी, इससे ज्यादा आगे तक सोचते ही नहीं और इतना ही करके हम हमेशा वीडियो बनाते हैं, आज भी वही करके आए बस। पर लड़कियों में मेकअप का आलम बस इतना समझ लीजिए कि जहां हम लोगों का खत्म हो जाता है वहां से इन सब का शुरुआत होता है। लड़कियां मेकअप करती है, कुछ कम करती है, कुछ ज्यादा करती है, कुछ बहुत ज्यादा करती है, और यही सब हम आज आपको दिखाने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आप बोलेंगे वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वैसे मेकअप तीन तरह के होते हैं, पहला सुंदर दिखने के लिए, दूसरा जेंडर चेंज करने के लिए, लवंडा पार्टी में ज्यादा काम आता है, तीसरा डराने के लिए, बहरूपिया गांव में घूमने वाला। कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, मतलब ये थे और ये हो गए, महिलाएं का शकल देखे जरा भाई, इतना बदलाव कौन झेलेगा। वैसे पुरुष भी यही थे और आज ये हो चुके हैं, लेकिन हम लोग यार भगवान के दिए हुए में खुश रहते हैं, बाकी इन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है। खैर, पहले नेचुरल ब्यूटी होती थी, उसके बाद हल्का फुल्का पाउडर आने लगा, उसके बाद फेयरनेस क्रीम, और अब तो भैया जेके पुटी वाला से पुताई ही हो जाता है। मतलब आदमी अपने बेगम को सॉरी बहन जी बोल के निकल जाए। अरे आज तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धोखा खा जा रहा है, तो हम क्या चीज है। क्या सुबह सुबह मेकअप कर रही हो? अरे तुम चुप रहो, मैंने अपने फोन में फेस देख के खोलने वाला लॉक लगाया था, अब ये फोन मुझे पहचान नहीं। वैसे भगवान का दिया हुआ थोबरा सबके पास है, लेकिन कुछ क्या, कुछ लड़कियों को पसंद नहीं आता, और इनका ही देन है कि यूट्यूब पे पहले वो नींबू और इनो वाला ट्रेंडिंग में आता था, इनका ही कारनामा था, और पता नहीं इसके चक्कर में कितने ने अपना स्किन जला लिया। मतलब कुछ में गोरा होने का क्रेज इतना ज्यादा होता है कि अगर गोबर को पाउच में भरकर दे दिया जाए कि गोरा होने वाला क्रीम है, तो फिर इसे खत्म होने में सवेरा भी नहीं लगेगा। कहते हैं कि आईना सच्चाई दिखाती है, पर भैया इनको स्पेशल वरदान मिला हुआ है भगवान से, ये आईना को भी धोखा दे जाते हैं। किसी ने खूब लिखा है, ध्यान दीजिएगा, कि मेकअप का चेहरा होता है बड़ी घनी हसीन, और इस चेहरे के धोकर देखे तो मिलेगा भुजिया पापड़ नमकीन। खैर भुजिया और नमकीन का तो पता नहीं, लेकिन हम आपको पापड़ जरूर दिखा रहे हैं, देखिए। वैसे किसी का दुकान चले ना चले, लेकिन ये मेकअप का दुकान बहुत ज्यादा चलता है। नहीं समझे तो ये पटना वाले खान सर आपको बताएंगे। ब्यूटी पार्लर में भी देखते हैं ना, यहाँ पे कोई चमगादड़ घुसती है, परी बन के निकल जाती है। तो हाँ भाई, ये ब्यूटी पार्लर वही चमत्कारी स्थान है वैसे, जिसमें ये दीपा पोती का खुद से टैलेंट नहीं होता, वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं कराने। वैसे भाई मेकअप तो आजकल आम बात हो गया है, मतलब बिना मेकअप का कोई बाहर दिखता ही नहीं। टिकटॉक जब से आया था, पूरा टिकटॉक को मेकअप ही संभाल रखा था और पूरा रायता तो इस मेकअप और फिल्टर के वजह से ही मचा था। खैर ये मेकअप जो है ना यार, आजकल मेकअप करना मतलब धोखा देने के बराबर हो गया है। अब सपोज आप शादी करने के लिए गए और पता चला कि मेकअप में कुछ ऐसा लुक मिले और बाद में हकीकत कुछ ऐसा हो। वैसे शादी वाले मामले में लड़के भी कुछ पीछे नहीं होते, हम तो कहते हैं कि पंडित जी को कुछ रिश्वत दे के और एक रसम मुंह धुलाई का ऐड करवा ही लिया जाए। अरे कम से कम सही सबका सही शकल तो सामने आ जाए सही वक्त पर। भाई हम तो इस वहम में थे कि ये मेकअप करना बच्चों का खेल है, ऐसे उठाया लगाया कुछ पोता वगैरह दो चार, बस दो मिनट में काम खलास। लेकिन 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 भैया, यहाँ पे सिर्फ एक आंख का मेकअप में इतना सारा औजार पाती, मतलब आप देख लीजिए, आज तक ऐसा देखा नहीं होगा।
प्लम्बर के मिस्त्री रखते हैं यार। ऐसे ऐसे ट्यूटोरियल से यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या लाइफ हैक्स और क्या क्या टोटके वगैरह मिलते रहते हैं। खैर इन टोटकों से लोगों का भला हो ना हो, लेकिन ऐसे वीडियो बनाने वाले का भला जरूर हो जाता है और इस पर व्यूज भी आते हैं भर भर के। और क्या बोले, जहाँ पे घर के कबाड़े से चेहरा कबाड़े करने का फुल ट्यूटोरियल मिलता है। वैसे मेकअप कभी कभी जरूरी बन जाता है और दूसरे के खुशी के लिए भी मेकअप होता है कभी कभी, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री। और इस सिलसिले में हम रानू मंडल जी को कैसे भूल सकते हैं, इससे कितना पब्लिक खुश था ना। वैसे आपको क्या लगता है कि न्यूज चैनल सिर्फ खबरें से चलती है? जी नहीं, इसका आधा क्रेडिट तो कम से कम मेकअप को जाना ही चाहिए। इसका बेचैनी देख ले आप। बहुत जरूरी चीज है भाई, क्योंकि लोग न्यूज चैनल पर न्यूज देखने थोड़ी आते हैं, ये तो इनको देखने आते हैं, ये इनकी सोच है। वैसे भाई आजकल कोरोना का कहर बरकरार है और ऐसे में सरकार मास्क लगाने को बोल दी है। मतलब जिस चेहरे को चमकाने और दिखाने के लिए इतना मेहनत किया जाता था उसे ही ढक के घूमना है भाई। इस सिचुएशन में कुछ का तो जीना खाना पीना सोना रहना सब मुहाल हो गया है, लेकिन कुछ मानने वाली नहीं है। लो भाई मेकअप का ही मास्क बना दिया। भगवान बचाए इनको, क्योंकि हम लड़के तो धोखा खा जाते हैं, लेकिन ये कोरोना है, अब इसे चीन धोखा नहीं दे पाया तो तुम क्या चीज हो। खैर चेहरे पे मेकअप की परतें कुछ देर के लिए आपको सुंदर बनाती है, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह डालते हैं, कहीं कहीं ये चीजें मजबूरी होती है, मॉडलिंग वगैरह शूटिंग वगैरह में काफी लोगों को करना पड़ता है, ये उन लोगों का काम है। और कुछ लोग और ज्यादातर जनरल लोग इसे देख कर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और खुद को मतलब मेकअप वगैरह में काफी समय देने लगते हैं। या जो भी है शौक है करिए, लेकिन अपने खुद को चेहरा को देखकर कभी भी गिल्टी मत फील करिए, खुद पे शर्म मत आने लगे इन सबको देखकर, इतना इन्फ्लुएंस ना हो जाए। बाकी नेचर ने जो प्रदान किया है उसे प्यार करना चाहिए, वही आपका असली चेहरा, आप लग का असली पहचान है। बाकी चेहरे में क्या रखा है, मन सुंदर होना चाहिए। और भाई दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपके पास चेहरा है, जो भी मिला है उससे प्यार करिए, क्योंकि बहुतों के पास वो भी नहीं है। और बाकी मेरा मकसद किसी के फेस पहुंचाना नहीं था, किसी का मजाक बनाना नहीं था, बस आप सबों को एंटरटेन करना था। तो बस यही था आज का वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करिए। और बाकी मैं अपना कुछ लाइनें बोल के जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है कि कोई काला कोई गोरा पर किसी पर भरोसा करने से पहले उसका मन परख लेना, कोई काला कोई गोरा पर किसी पर भरोसा करने से पहले उसका मन परख लेना। और अगर आपके चेहरे की सुंदरता पर ज्यादा घमंड हो गया है तो एक बार अपने आधार कार्ड वाला फोटो देख लेना। तो बस दोस्तों यही था आज का वीडियो, तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, बाकी आप लाइक जरूर करिएगा। बाकी जिनको मेकअप वाली लोग डिसलाइक कर सकती है कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग करें जो। बाकी बस आप हमें टॉपिक सजेस्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।